अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया। तो जी आज ज़ुल्फ़िकार साहब जो है मेरे हस्बैंड घर में हैं, तो आज कुछ सोचा कि क्योंकि जो नाश्ता था ब्रेकफास्ट वो हमने तकरीबन 1 बजे किया है, लेट किया है, वही हेल्दी ब्रेकफास्ट था, पराठे अंडे और चाय वगैरह। तो हस्बैंड ने कहा कि खाने में फिर अब यही काफ़ी है और हम जो है शाम को चाय के साथ कुछ स्नैक वगैरह बना लेते हैं। और वो फिर मैंने कहा चले मैं बनाती हूँ पकोड़े और हस्बैंड जो है वो अपना बताएंगे कि वो क्या बनाने वाले हैं। तो पहले मैं आपके साथ पकोड़ों की थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर लूँ। हर घर में पकोड़े बनते हैं, सबको आते हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरा कुछ तरीका डिफरेंट हो जो आप ना करते हो और वो करके देखें तो आपके पकोड़े बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बहुत लजीज बनेंगे। और मेरे पकोड़े तो पूरे ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह बेसन ले लिया है, उसको अच्छे से छान लिया है, ठीक है, ये छान लिया है बेसन को। मैंने ये थोड़ी सी लाल मिर्च ली है, थोड़े से ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और ये थोड़ा सा मैंने चाट मसाला लिया है। चाट मसाला ज़रूर डाला करें, इससे बहुत टेस्टी पकोड़े बनते हैं। और इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ ज़ीरा लिया है और 1 ही टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, चूँकि सूखा धनिया हम लोग साबुत नहीं डालते हैं किसी भी चीज़ में तो पिसा हुआ ही डालते हैं, इसलिए पिसा हुआ मैं इसमें ऐड करूँगी। और साथ में नमक ले लिया है क्योंकि चाट मसाले के अंदर भी नमक होता है, तो इसलिए नमक थोड़ा कम लिया है, बाद में हम टेस्ट कर लेंगे। और हल्दी ली है यहाँ पे, ये 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी ली है और तकरीबन 2 चुटकी के बराबर मैंने यहाँ पे मीठा सोडा लिया है जो कि हम पकौड़ों में डालते ही हैं। तो ये सब चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी सारी चीज़ें और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैं लहसुन का पानी, लहसुन अदरक का पेस्ट ये चंद ड्रॉप मैं इसमें डाल दूँगी। अंडा जो है वो मैं अक्सर और बेशतर अपने जो है वो जो पकौड़े मैं रमज़ानों में बनाती हूँ उसमें ये ज़रूर डालती हूँ। और इसके अलावा भी मैं अंडे को उबाल के उसके स्लाइस करके जो बैटर होता है हमारा बेसन का जो हमने बना के रखा होता है पकौड़ों के लिए, तो उसमें मैं डिप कर करके वो भी पकौड़े बनाती हूँ। तो ये 1 अंडा लिया है, अब मैंने इसको फेंट लिया। ये फेंटना इसलिए ज़रूरी है कि सफ़ेदी और जो इसकी जर्दी है वो इक्वल हो जाए। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, एक साथ पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है और इसको मिक्स करना है। मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, मैं ज़्यादा एकदम नहीं ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि आपके बेसन के अंदर गुठलियाँ नहीं बनती हैं, जो अक्सर लोग एकदम पानी डाल देते हैं ना तो वो गुठलियाँ बन जाती हैं और फिर बाद में परेशान होते हैं और उससे पकौड़े भी अच्छे नहीं बनते। सख्त ही रखना पड़ता है, बहुत पतला नहीं करना क्योंकि सब्जियाँ जब जाती हैं अंदर तो वो ऑटोमेटिकली अपना पानी छोड़ देती हैं। तो बस ये हमारा बैटर रेडी हो गया, अब हम इसको तकरीबन कम से कम जो है ना 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना चाहिए, फिर पकोड़े आप रेडी करें तो बहुत अच्छे पकोड़े। तो जब तक मैंने बेसन को रखा है रेस्ट के लिए 15 से 20 मिनट के लिए और ज़ुल्फ़िकार साहब इस वक्त किचन संभाले में अपनी रेसिपी के साथ, तो मैंने सोचा कि एप्पल का जो है वो जूस निकाल लिया जाए घर में जूसर से, तो मैं उसके लिए एप्पल काट रही हूँ। तो अब ओवर टू ज़ुल्फ़िकार साहब, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, ऐसा है कि अब्दुल्ला भाई की फरमाइश के ऊपर आज हम बनाने जा रहे हैं स्नैक, जैसे कि शाजिया ने अभी पकोड़ों का बैटर तैयार किया है और ये जो आइटम है ये क्योंकि थोड़ा सा चाइनीज़ टाइप का है तो ये मेरा आइटम है इसलिए ये मैं बनाऊंगा। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी बता देता हूँ कि ये कैसे बनता है। तो ये बेसिकली हमने चिकन बनाना है, फ्राइड चिकन होगा और क्रिस्पी फ्राइड चिकन कह सकते हैं इसको या कोई भी नाम दे दें। ये असल में होता ये है कि जब हम चिकन शाश्लिक बनाते हैं राइस के साथ तो उसके लिए ये चिकन इस तरीके से मैरिनेट करके फ्राई किया जाता है, बाद में ये वो शाश्लिक के सॉस में डलता है। तो ये इटसेल्फ ये चिकन इतना मज़ेदार होता है कि अगर इसको हम स्नैक के तौर पे इस्तेमाल करें और आप भी बना के खाइएगा तो ये आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अब्दुल्ला ने फरमाइश की कि डैडी वही वाला चिकन बनाएं ड्राई बिल्कुल और हम वो चाय के साथ खाएंगे स्नैक्स के तौर पर, तो मैंने कहा चले बना ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने आधा किलो बोनलेस हांडी कट KNN's का फ्रोजन जो आता है पैक, 1/2 kg का पैक होता है वो ले लिया है, उसको थॉ कर लिया है हमने और थॉ करने के बाद इसके पीसेस को थोड़ा छोटा कर लिया है। ये आप देख रहे हैं तकरीबन इस टाइप के, ये बड़े पीसेस होते हैं तो हमने इनको कन्वर्ट कर देना है बाइट साइज के अंदर ताकि एक पीस एक वक्त में खाया जाए। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत मजेदार है, आप लोग अगर ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा इसका। ये तकरीबन 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ब्लैक पेपर है और 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट है, ये हम इसके ऊपर
अच्छी तरीके से स्प्रिंकल कर लेते हैं। 1 egg, मुकम्मल अंडा ये मैंने इसमें डाल दिया। आप देख रहे हैं सोया सॉस, सोया सॉस जाएगा तकरीबन 2 tablespoons के करीब। 1 और ये है चिली सॉस, ये भी मैंने तकरीबन 2 tablespoon चिली सॉस डाल जाएगा इसके अंदर। इसको ये मैंने 2 tablespoon फुल ले लिए हैं, इसमें से मैं थोड़ा सा बचा लूंगा, तकरीबन 1.5 tablespoon के करीब मैंने कॉर्नफ्लावर इसमें डाल दिया। और ये तकरीबन 2 tablespoon मैदा, सादा मैदा जो होता है, वाइट फ्लावर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं बेकिंग के लिए, तो ये वो है। 2 tablespoon इसके अंदर मैंने मैदे को डाल दिया। 1 spoon के करीब मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, ये इस रेसिपी के अंदर नहीं है, लेकिन इसके साथ बड़ा अच्छा सा फ्लेवर। और ये सारा मटेरियल हमारा तैयार हो चुका है, मतलब सब चीज़ें इसके अंदर, हाथ की मदद से इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं इसमें अंडा भी था और इसमें मैदा, कॉर्नफ्लावर और जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं, स्पाइसेस हल्के फुल्के, ये आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर हल्की सी कोटिंग। हमारा ये मटेरियल तैयार हो गया है, जो चिकन तैयार हो गया, इसको कम से कम आधे घंटे के लिए हम लोग फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो मिस शाजिया को हम किचन उनके हवाले करते हैं, उन्होंने जो पकौड़ों का बैटर बनाया हुआ है वो पकौड़े बना लें और उसके बाद हम अपने फ्राई करेंगे। और साथ में ही वो सेब और फ्रूट्स काट रही हैं, उनका जूस भी तैयार हो जाएगा, तो दिखाते हैं आपको। तो ओवर टू शाजिया। 1 किलो एप्पल थे तो मैंने 1 किलो एप्पल भी काट लिए हैं, इनके बीज अलग कर दिए, छिलके रहने दिए। और 3 मेरे पास ये कीनू बचे हुए रखे थे, मैंने ये भी इसमें ऐड करके और मैं इसका जूस तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैंने इसमें काला नमक डाल दिया है थोड़ा सा, आपकी मर्जी डालें या ना डालें, हमारे यहाँ चूंकि पसंद करते हैं तो इसलिए मैंने काला नमक थोड़ा सा डाला है। और क्या कहते हैं, अब बस इसको मिक्स कर लेंगे और बच्चों को सर्व कर देंगे। चलो भाई बच्चों आ जाओ, अपना अपना गिलास उठाते जाओ, जल्दी से उठाओ। शाबाश। कैसा है अब्दुल्ला जी? मामा जी कैसा है? बहुत ही मीठा। तो मीठा तो होता ही है, जूस है मजे का कि नहीं? एप्पल और ऑरेंजेस का मजा, मैंने तो अपना सारा खत्म कर दिया एक ही घूंट में, मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी, बहुत मजे का था। अब जुल्फकार साहब ट्राई करके बताएंगे कि कैसा मजा। जी तो जुल्फकार साहब कैसा लगा आपको? बहुत मजेदार है ना, फ्रेश जूस है ऑरेंज और एप्पल्स का, तो है ही हेल्दी। और जो काला नमक डाला ना इसके अंदर थोड़ा सा, उसकी वजह से बड़ा जबरदस्त सा टेस्ट जो है ना, वो बड़ा इनहांस होता है, बेसिकली वो टेस्ट इनहांस। और ये भी कलर भी दिखाएं कि ये ऑरेंजेस की वजह से इसका कलर कितना अच्छा सा रहा है, ये देखिए। और ये बड़ा अच्छा सा कलर भी है और ऊपर झाग भी है, क्योंकि फ्रेशनेस की वजह से है, थोड़ी देर में जब ये बासी हो जाता तो ये झाग इसका खत्म हो जाता है, तो इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाता है। ये भी फ्रेश है, बहुत मजे का। ऑरेंज या लेमन डालने से ये होता है कि इसका जो कलर होता है, जो भी फाइबर वाली चीज़ होती है खाने पीने की, वो कलर चेंज नहीं करती है। ये मैंने प्याज और पालक को बहुत बारीक बारीक काट लिया है और उस पर तकरीबन 3 tablespoon जो मैंने ये बैटर तैयार करके रखा था, ये 3 tablespoon भर के इसमें डाल दिए, तो इसके पकौड़े बनाएंगे बाद में। भी फिलहाल मैं इसको साइड पर रख रही हूँ। और ये आलू की कतलियाँ मैंने इस तरह से काट ली है मशीन की मदद से, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो हाथ से भी काट सकते हैं, लेकिन बराबर बराबर रखिएगा, ज़्यादा मोटी पतली ना हो। और ये मैंने पत्ते ले लिए हैं इस तरह से साबुत और उनकी डंडियाँ हटा के, और उनको मैंने धो लिया है अच्छे तरीके से, मिट्टी हटा ली है। और यहाँ पर जो बैटर बाटी का बचा था उसमें मैंने तकरीबन 3 ही चम्मच चूँकि वो निकाला है बैटर, और 3 चम्मच मैंने पानी इसमें डाल के इसको मिक्स कर लिया है, क्योंकि ये वाला बैटर थोड़ा सा हल्का सा पतला करना है, ठीक है, ताकि वो हमारी इस पर कोटिंग हो जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ऑयल ले लिया है, तकरीबन ये 1/2 kilo से ज़्यादा ऑयल है ये मैंने ले लिया है। और जैसे ही गर्म होगा इसमें मैं आलू की कतलियाँ ये डालती जाऊँगी ताकि ये पकौड़े बन जाए। अच्छे से गर्म हो गया है हमारा, अब मैं इसमें ये डालती जाऊंगी, ठीक है। ये देखें इस तरह से बैटर लग गया इसको, और ये मैं डालती जाऊंगी साथ साथ। और ये देखिए मैंने
ट्रे के ऊपर किचन टॉवल को जो है वो सेट कर लिया है। तो ये देखिए मेरे पकौड़े जो है आलू वाले कतलिया वो रेडी हो गए। अब पालक वालों को मैंने इसी तरीके से डाल देना है। ये देखा है बहुत ज्यादा इसको पका के इसको काला कर देते हैं, वो फिर इस तरह से क्रिस्पी भी हो जाते हैं और उनका टेस्ट भी ज़्यादा चेंज हो जाता है। बस ये कोशिश करें कि इसमें जो मैं चीज़ें डाली हैं अगर वो पक गई हैं, क्योंकि मैं बारीक बारीक काट के डालती हूँ तो इसलिए मेरे पकौड़े जल्दी रेडी हो जाते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये पालक है और ये आलू की कतलियों वाले पकोड़े हैं और ये मिक्स पकोड़े हैं प्याज और पालक के साथ। तो ये पकोड़े हो गए हैं बिल्कुल रेडी। मैंने बताया था एक घंटा आधा घंटा तकरीबन हमने इसको मैरिनेट करना था, ऑलमोस्ट एक घंटा हो चुका है इसको मैरिनेट होते हुए। ये रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ देखा है तो अभी थोड़ा सा कम है, मैंने थोड़ी सा फ्लेम को हाई किया है और बस ये फिर मैं इसके बाद इसके अंदर ये कोटेड चिकन जो है ये डालते जाऊँगा। ये आप देख रहे हैं एक एक करके डालेंगे ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर लगा हुआ है तो कॉर्नफ्लावर बहुत जल्दी चिपकता है। ये बड़ा गोल्डन सा ब्राउन होगा, बहुत ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करेंगे हम, गोल्डन ब्राउन करेंगे क्योंकि हल्की आंच पे पक रहा है तो ये अंदर तक अच्छे तरीके से इंशाल्लाह पक जाएगा। और यहाँ पे ये चाय तैयार हो रही है और साथ साथ चाय भी, पकोड़े क्योंकि तैयार हो चुके हैं तो जैसे तैयार होता है तो फिर सर्व करते हैं। बच्चों को भी भूख लगी हुई है और मुझे भी लगी हुई है और शादियाँ हो रही है नई डिश के अंदर। और चाय भी तैयार हो चुकी है तो इसको भी अभी निकाल लेते हैं, मैंने शादियाँ को बुला लिया है तो वो चाय भी कप्स में निकाल लेंगी। बच्चे बड़ी बेचैनी के साथ इसका इंतज़ार कर रहे हैं और लिहाजा आप बच्चे खाएंगे और फिर हमें बताएंगे कि ये कैसा बना है। खाएं बच्चों। और ये खा रहे हैं केचप के साथ। आपने पहले क्या खाया है? चिकन बाइट्स, फ्राइड चिकन बाइट्स। तो ये दोनों ने खाई हैं और कैसा लगा बच्चों? और ये अब्दुल्ला आप बताएं आपकी फेवरेट है? और ये मेरी फेवरेट और ये आज मैंने बनवाई है। हाँ, अब्दुल्ला के कहने पे बनी है लेकिन ये मोहम्मद भी बड़े शौक से खाते हैं तो ये मोहम्मद भाई को भी बहुत पसंद आ गई। अब ये दोनों खाएंगे पकौड़ा। पकौड़ा खा के दिखाएं कैसा लगा। अब्दुल्ला ने लिया है पालक वाला पकौड़ा और मोहम्मद भाई ने भी लिया है पालक वाला पकौड़ा और ये खा रहे हैं। हाँ, मोहम्मद भाई ने चेंज कर दिया, मिक्स पकौड़ा खा लिया। नाज़रीन पकौड़ा चेंज हो चुका है। ये कैसा है अब्दुल्ला? ये भी बहुत टेस्टी और क्रिस्पी सा बना है। पालक पसंद नहीं है लेकिन पकौड़ा अच्छा लगता है पालक का। और मोहम्मद आप बताएं खा के? हार्ड तो नहीं है मोहम्मद, सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट, वेरी गुड। और बच्चे खा रहे हैं केचप और मायनीज के साथ। ये रही मायनीज और ये केचप। और ये है जी मिस शाजिया के लिए चाट मसाला, क्योंकि ये केचप और मायनीज नहीं खाती। शाजिया जो हैं वो केचप नहीं खाती लेकिन चिली गार्लिक सॉस जो है वो खाती हैं शौक से, वो इस वक्त है नहीं घर पे। तो सबसे पहले मैं मिक्स वाला पकौड़ा खाऊंगा, मेरा फेवरेट। और ये हमें रमज़ान में ज़्यादातर मिलता है, बाकी पूरे साल में थोड़ा थोड़ा कभी कभार, लेकिन रमज़ान में हम बहुत खाते हैं। बेहतरीन बेगम, थैंक यू सो मच, बहुत मज़े का बना। थैंक यू बच्चो, अब्दुल्ला इज राइट कि हमें शाजिया का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने हमें इतना मजेदार पकोड़े बना के खिलाए और मैं इनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी चिकन बनाकर दी है जो मैं अभी खाऊंगी। और ये मेरे सामने खा रहे हैं, ये चिकन बाइट है जो मैंने बनाई है। और
और ये गंदे बच्चे सारे तीनों बाप बेटा मेरे सामने खा रहे हैं और मेरे मुंह में पानी आ रहा है चलो भाई। और मुझे बहुत भूख लगी है लिहाजा मैं तो जा रही हूँ खाने के लिए। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ करें बच्चों।